नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़िया स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट रखूँगा क्योंकि वक्त नहीं है और हमें इस वक्त अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। Zedpay पे चालू है बिटकॉइन का फ्लैश सेल। जी हाँ, फ्लैश सेल यानी कि बिटकॉइन अवेलेबल है कौड़ियों के भाव। आज सुबह जो मैंने बिटकॉइन का रेट देखा था वो लगभग 3.5 लाख के आसपास तक आ गया था, और हो सकता है उससे भी कम आया हो, पर वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन 3.5 लाख का रेट मैंने देखा है। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया था कि Zedpay की जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके क्या रिएक्शंस हुए थे, एंड आई होप उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम श्योर उन्होंने अपने बिटकॉइंस को सेल नहीं किया होगा और वो अब इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। बिलीव मी, 3,20,000 जब लास्ट टाइम गया था उस समय जिन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया था उनको कम से कम 2 गुना या 3 गुना का मुनाफा मिला था, और उसके बाद से रेट काफ़ी ऊपर गया था। यानी कि 3,20,000 था, तो उसके बाद जब रेट फ्लक्चुएट होकर ऊपर गया था तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था, लोगों को 2 गुना 3 गुना ज़्यादा उसमें प्रॉफिट मिल चुका था। तो अभी वही सेम सिनेरियो है, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों के जो इमोशंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो लास्ट टाइम जो पैनिक में हुआ था वही चीज़ वापस से ही आते हैं, वही चीज़ वापस से दोहराएगा। ठीक है, तो जो उस समय हुआ था वो वापस से हो रहा है, और आने वाले समय में अगर वापस से कुछ ऐसा होता है तो लोगों के इमोशंस रिएक्शंस वैसे ही आएंगे और वैसे ही हमें कम रेट पे मिलेगा। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अपने कॉइन्स को सेल मत कीजिए, और जो Zedpay पे कौड़ियों के भाव मिल रहा है फ्लैश सेल, उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, जितना भी अभी आपका नुकसान होगा ना, सब रिकवर हो जाएगा 1 महीने के अंदर। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 5 जुलाई से पहले, अभी ये 22 तारीख चल रहा है, तो लगभग 2 हफ्ते पहले ही मतलब काफ़ी रेट नीचे आ गया है, 3.5 लाख के आसपास आ गया है। तो अभी अच्छा मौका है बाय करने के लिए। हो सकता है आने वाले कुछ दिन में आपको 3 लाख का भी रेट मिल जाए, लेकिन उसका इंतज़ार मत कीजिए, शायद है वो। ठीक है, पक्का नहीं है, क्या पता अभी सब लोग बाय कर दे और अभी रेट इसका वापस से बढ़ जाए, कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए RBI की तरफ से। ठीक, कुछ कह नहीं सकते। तो अभी जो रेट मिल रहा है उसमें हम ट्राई कर सकते हैं बाय करने के लिए। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह से हमें सीधा 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, ये जो है इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। ये बिटकॉइन का रेट है, एवरेज रेट जो सभी एक्सचेंजेस से निकाला जाता है, लगभग 6,661 के आसपास डॉलर है, और जिसकी INR वैल्यू मैंने निकाली है वो लगभग 4.5 लाख के आसपास है। और Zedpay में जो कीमत चल रही थी अभी तो 3,70,000 है, लेकिन सुबह मैंने 3.5 लाख का रेट देखा था। तो उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करके आपको बताऊं तो हमें सीधा मुनाफा मिलता है 1,03,270 का। ठीक है, तो आप अभी Zedpay से माल खरीदिए 3.5 लाख में, उसको जब आप अपने बाइनेंस पे या किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे डालते हैं तो उसकी कीमत हो जाती है 4.5 लाख से ऊपर। यानी कि आप चेक कर सकते हैं कि 1 लाख का सीधा मुनाफा है, और 1 लाख के मुनाफे वाले कॉइन्स जो हैं, ठीक है, उतना आप उसमें से सेल करके विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बाइनेंस है, किसी भी एक्सचेंज है, उसमें से जो बिटकॉइंस होते हैं वो आप अपने स्क्रिल अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र कर दीजिए, फिर स्क्रिल अकाउंट से अपने बैंक में ले लीजिए, तो कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं रहेगी। और RBI या किसी भी चीज़ को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये जो फंड आपके बैंक में आ रहा है ये आ रहा है बिटकॉइन के थ्रू। ठीक है, तो कोई आपको बैंक के अंदर भी इशू नहीं होगा कि बैंक वाले भी आपसे नहीं पूछेंगे कि ये बिटकॉइन का फंड कैसे है, क्योंकि उनको मालूम नहीं होगा कि ये बिटकॉइन का, उनको जो बैंक ट्रांजेक्शन में आएगा ये आएगा स्क्रिल से आएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा घुमा के लेने का। तो आप इस तरह से घुमाएंगे तो सपोज़ करिए उसमें 3,000 का भी अगर खर्चा आता है, 1 लाख का आपके पास सीधा मुनाफा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग को सिर्फ मुझे यही समझाना था कि काफ़ी अच्छा मौका है, मौके का फ़ायदा उठाइए, 1 लाख का सीधा प्रॉफिट मिल रहा है, तो जिसका भी लॉस है वो रिकवर कर सकता है। लेकिन वही लोग इसको बाय करें जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बहुत डेप्थ के अंदर हैं या आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप बाय मत कीजिए, आपके पास जो कॉइन है बस उसको ही होल्ड करके रखिए। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और आप में से भी जो लोग बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद और भी वीडियोज़ आएंगी, अपडेट्स आएंगे, वो मैं आप लोग को रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इससे पहले वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसलिए मैं आप लोग को इसको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो 2 वीडियोस हैं इससे बहुत सारे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपके फ्रेंड्स हैं या आपके फेसबुक में जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनको भी मालूम पड़ेगा कि भाई क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो जो सही में काम की चीज़ है, जिससे सही में सभी लोग का फ़ायदा होता है, तो उसमें बिना कुछ वक्त गवाए एक क्लिक कर दीजिए, शेयर हो जाएगा तो और भी लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और शाम को कुछ और वीडियोज़ आएंगी, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी, और एक बहुत बढ़िया ICO है जिसके बारे में आप लोगों को 15-20 दिन से बोल रहा हूँ, वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।